विपक्षी नेताओं की बात की जाए तो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। वे उन नेताओं में से एक है जो मोदी मैजिक के बावजूद अपनी सीएम की कुर्सी को बचाने में सफल रही थीं। अब लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए वोटिंग होने में एक साल से कम समय रह गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मैजिक में कोई भी कमी नहीं आई है। वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी कि टीएमसी के अलावा वेस्ट बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी एकता का बाजा लेकर घूम रहे नीतीश कुमार क्या वेस्ट बंगाल के लिए कोई रणनीति बना पाएंगे या टीएमसी वेस्ट बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी? इसके लिए हमें करना होगा अभी थोड़ा सा इंतजार। वैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।